हेलो स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो मैं आपको पूरा जो आपको आपके वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा वो सारे प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। तो हर एक अध्याय वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये जो अध्याय है इकाई एक है ना, तो इकाई हिसाब से परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में दिया हुआ है और आपके पास परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार जो भी है उसमें आप लोग ये सारे प्रश्न टिक कर लेना, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को सारे मोस्ट आईएमपी प्रश्न बता देता हूँ। तो देखो ये जो इकाई एक है ना, जो परिचय नाम से संबंधित है, इससे सिर्फ 4 अंक के प्रश्न आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 अंक के एक प्रश्न आएगा। तो इस इकाई से जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग टिक कर लेना या फिर अलग से निकाल के याद कर लेना, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो एक प्रश्न ये है, देखो प्रश्न का नाम आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाम क्या है देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर कह रहा है ना। इसके बाद ये जो तीसरा प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 नंबर का। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये प्रश्न 4 अंक का है, क्योंकि इस अध्याय से मतलब ये जो इकाई एक है इसे सिर्फ 4 अंक के प्रश्न आएगा। तो 4 अंक के प्रश्न में ये 2 प्रश्न हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक है ये, ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर वाला प्रश्न है, 4-4 नंबर यहाँ पे सभी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता लिखिए कह रहा है, ठीक है। इसके बाद ये प्रश्न देखो व्यष्टि से है और एक है यहाँ पे, ठीक है, ये भी है 4 नंबर वाला। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक कर लेना, ठीक है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना, 4 नंबर का है। ये वाला प्रश्न भी 4 अंक का है, इसको भी टिक कर लेना, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखो 22वां प्रश्न भी टिक कर लेना। नाम यहाँ पे सभी प्रश्नों का दिखाई दे रहा है, नाम पढ़ो और टिक करना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न और कौन सा है, और हाँ ये रहा दीर्घोत्तरी से प्रश्न क्रमांक 1 इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ना है, ठीक है। टिक बस मत करना, पढ़ना भी है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न, ये भी 4-4 अंक के दोनों प्रश्न है, ठीक है। हो सकता है आपको एक ही नाम के दो जगह अगर दिखाई देता है तो आप एक ही जगह से पढ़ाई करना, ठीक है। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके नाम तो एक जैसा है, उत्तर भी हो सकता है अलग है, लेकिन उत्तर जो है दोनों में से किसी को भी आप याद कर सकते हो। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये भी 4 अंक के प्रश्न है और ये भी 4 अंक के प्रश्न है। देखो इसमें प्रश्न बहुत सारे हैं पर सबको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको टिक कराया जा रहा है ना बस उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है। अब इकाई 2 पे आते हैं। इकाई 2 है उपभोक्ता साम्य व मांग से संबंधित है। इस अध्याय से मैं आपको थोड़ा सा ब्लूप्रिंट दिखा देता हूँ, कितने कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट देखो 6 अंक के 2 प्रश्न आएगा, ठीक है, और 1 प्रश्न 1 अंक के आएगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ 4 अंक और 6 अंक के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 अंक और 6 अंक के प्रश्न जो मैं बताऊंगा वो 100% फंसेगा ही फंसेगा। 3 और 1 अंक का प्रश्न बहुत कम चांस होता है कि 1 अंक के प्रश्न के चांसेस बहुत कम होता है कि वो परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार से आए, और 3 अंक के प्रश्न भी थोड़ा सा कम चांस होता है कि मतलब कुछ प्रश्न काट दिया जाता है। जैसे कि 5 प्रश्न आने वाले हैं तो 2 प्रश्न परीक्षा बोर्ड, 3 प्रश्न परीक्षा बोर्ड से रहेगा, 2 प्रश्न हट जाएगा, और 1 नंबर के प्रश्न वाले में से 1 प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार में नहीं रहेगा। लेकिन 4 नंबर और 6 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में रहते हैं। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखते हैं 2 प्रश्न यहां से आना है, कौन कौन सा वो 2 प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न ये है, ठीक है, दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न, पहला के बाद दूसरा प्रश्न भी ये है, ठीक है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना। तीसरा प्रश्न, इसको टिक कर लेना। चौथा प्रश्न, इसको टिक कर लेना। चौथा के बाद ये 5वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नाम दिखाई दे रहा है। 6वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है,
सातवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर लेना। सातवां के बाद है आठवां, नौवां, दसवां, इसको देखने की आवश्यकता नहीं, सीधा ग्यारहवां देखना है। ठीक है, ग्यारहवां ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना। इस अध्याय से दो प्रश्न आएगा ना, अच्छे से पढ़ना। बारहवां प्रश्न, ठीक है, ये 6 अंक के सारे प्रश्न है, सबका उत्तर आपको आसानी से आपको परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में मिल जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये 15वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। 16वां देखने की जरूरत नहीं है, 16वां तो कई जगह मिल जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, 7वां 17वां प्रश्न देखो, ये वाला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 18वां और 19वां ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो। अगर ये प्रश्न दो बार आ रहा है तो एक ही बार आपको पढ़ना है, ठीक है। 19वां, उसके बाद है 20वां नहीं देखना है आपको, डायरेक्ट 21वां देखना है, नहीं 22वां देखना है, ठीक है। 20वां के बाद 22वां, और ये रहा 23वां। तो इतने सारे जो प्रश्न मैं अभी दिखा रहा हूँ, तकरीबन 15 से 16 प्रश्न है शायद, ठीक है, 16-17 प्रश्न है, इनको पढ़ना है। और देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, तो मैं उनको पहले ही हटा दिया हूँ ना, वो प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा उसको मैंने पहले ही हटा दिया है, जो आने वाले हैं बस उसको ही आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो बता रहे हैं वो सिर्फ आपको, मैं एक या दो प्रश्न जो आएगा बस उसी को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही जो 15, 16, 17 प्रश्न बता रहा हूँ, इनमें से ही दो प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना, मुझे ये पता नहीं है कि इन 16 प्रश्नों में से दो प्रश्न कौन से आएगा, लेकिन इन 16 में से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जो 12 नंबर का रहेगा, 6-6 नंबर का एक एक प्रश्न। अब आते हैं इकाई 3 पे, देखो इकाई 3 नाम क्या है, उत्पादक व्यवहार व पूर्ति दिया हुआ है, ठीक है। इससे कितने कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है उसमें देखो 3 अंक का है, एक 4 है और 6 है। तो मैं आप लोगों को 4 अंक और 6 अंक के बता रहा हूँ, ठीक है, 4 अंक और 6 अंक के प्रश्न बता रहा हूँ। 3 अंक के प्रश्न आप इसमें दिया है, जितने भी प्रश्न उन सबको पढ़ लेना, ठीक है। 3 अंक के लायक जो छोटे छोटे प्रश्न है उनमें से सभी को पढ़ना है आपको 3 नंबर में, लेकिन 4 और 6 नंबर में जो बताया जा रहा है आपको बस उनको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ोगे तो आपका समय भी वेस्ट होते जाएगा। देखो 4 अंक के प्रश्न, जैसे कि ये है ना, उत्पादन फसल की 4 विशेषता बताई, कह रहे 4 अंक का प्रश्न है, इसको देख लेना है। 4 अंक के प्रश्न में ये प्रश्न है, ठीक है, 4 लाइन आपको लिखना है कम से कम, ठीक है। 4 अंक के प्रश्न में ऐसे भी प्रश्न है जो 4 अंक में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 6 अंक वाले में भी वो टिक हो गया है ना, तो मैं 6 अंक के प्रश्न बताऊंगा या फिर वहां पे मैं 4 अंक कहूंगा, तो आपको दोनों के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है, दोनों के हिसाब से। अगर मैं किसी प्रश्न को बता रहा हूँ तो आपको 4 और 6, क्योंकि उल्टन पुल्टन कर सकता है, ठीक है, 4 को 6 में दे सकता है, 6 को 4 में दे सकता है, क्योंकि दीर्घोत्तरी प्रश्न है दोनों, ठीक है। तो ये 4 अंक के प्रश्न ये भी है, और 4 अंक के प्रश्न और कौन सा है, यहाँ पे ये वाला प्रश्न 4 अंक में है, ठीक है, ये वाला प्रश्न देख लेना, 4 अंक के प्रश्न है। कुछ गणितीय प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, इसमें शायद नहीं है गणितीय प्रश्न, जिसमें होगा वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये प्रश्न है 4-4 अंक का, ठीक है, ये 4 अंक का है, 4 अंक का ये वाला प्रश्न है, 4 अंक में ये वाला प्रश्न है, ठीक, ये भी 4 अंक का प्रश्न है, 4 अंक में ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 देखो, ये 4 अंक का प्रश्न है, इसे 4 और 6 के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, 4 अंक और 6 अंक के दीर्घोत्तरी सारे प्रश्नों को 6 अंक के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। अभी जो मैं बताऊँ वो 4 अंक है, लेकिन उल्टन पुल्टन भी कर सकता है, 4 लिख दिया हूँ 6 में दे देगा, तो इसलिए 6 अंक के प्रश्न के हिसाब से भी तैयारी करना है, ठीक। पहला हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी टिक कर लेना, ठीक। छठवा भी 6 अंक का प्रश्न है, सातवा भी 6 अंक का है। सातवा के बाद आपको 8वां नहीं देखना है, सीधा 9वां देखना है, 9वां प्रश्न, इसको याद कर लेना, ठीक है। 10वां प्रश्न ये है, 11वां प्रश्न, और ये 12वां प्रश्न, ठीक है। इतने प्रश्न है जो आपको तैयार कर लेना है, 4 अंक और 6 अंक। तो इकाई 3 से आपको 10 अंक के प्रश्न 4 और 6 अंक के हिसाब से मैंने बता दिया, इससे 3 अंक के भी प्रश्न आएंगे। तो 3 अंक का प्रश्न जो भी छोटा छोटा प्रश्न रहेगा ना, जो
जैसे कि अंतर बताएगा दो चीजों में, ठीक है, तो वो सारे प्रश्न 3 अंक के हिसाब से देख लेना, छोटा छोटा जिसका उत्तर रहेगा वो 3 अंक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जितने भी छोटे प्रश्न हैं उनको 3 अंक के हिसाब से देख लेना। इसके बाद इकाई 4 मैं आपको बता रहा हूँ, इकाई 4 जो है बाजार के स्वरूप दिया हुआ है ना, तो बाजार का स्वरूप इकाई 4 है, इससे कितने अंक के प्रश्न आएंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से देख लेते हैं। देखो ब्लूप्रिंट में 10 अंक का प्रश्न आएगा है ना, इनमें से एक प्रश्न 1 अंक के, एक प्रश्न 3 अंक के और एक प्रश्न 6 अंक के। तो हमें तो 6 अंक में फोकस करना है, ठीक है, 6 अंक में हमें फोकस करना है। तो 6 अंक के कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 6 अंक के प्रश्न में एक प्रश्न ये है, ठीक है, दूसरा प्रश्न ये है 6 अंक के प्रश्न में, फिर 6 अंक के प्रश्न में ये प्रश्न भी है, और चाहो तो इसको भी देख सकते हो, ठीक है, ये 6 अंक का प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी 6 अंक का है, 6 अंक का ये भी है, ठीक है, और 6 अंक में ये प्रश्न भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है 6 अंक का, टिक करते जाना। ये 6वां प्रश्न भी 6 अंक का है, मतलब यहाँ से 6 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इन्हीं में से देखने को मिलेगा। ये 6 अंक वाला है, अंतर स्पष्ट कीजिए कह रहे हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए से 2-3 प्रश्न है। देखो ये भी है अंतर स्पष्ट करने वाला, 6 अंक के प्रश्न है, ये भी अंतर स्पष्ट करने वाला है, 6 अंक का प्रश्न है, ये प्रश्न भी 6 अंक वाला है, ठीक है, 10वां प्रश्न। इसके बाद अंतर स्पष्ट करने में देखो और है, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न 6-6 अंक का, 13वां आपको नहीं देखना है, हाँ 14वां प्रश्न देख लेना है, सामान्य मूल्य की विशेषता लिखे कह रहे हैं, 6 कह रहा है ना, 6 अंक के प्रश्न में कम से कम 6 विशेषता होती है, ठीक है, ये हो गया 14वां प्रश्न। 15 इतने इम्पोर्टेंट है क्या, पूर्ण प्रतियोगी काल्पनिक है, कारण बताइए क्या, नहीं रख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया 6 अंक के, ये बाजार वाला है, ठीक है, ये अंतर स्पष्ट करने वाला है। तो अधिकतर प्रश्न अंतर स्पष्ट करने से एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको ना अंतर स्पष्ट करने वाला कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वहीं से आएगा, तो आपको अंतर स्पष्ट करने वाले में से हो सकता है यही वापस रिपीट हो जाए, ठीक। तो ये 16वां हो गया, 17वां प्रश्न ये वाला, ठीक है, 18वां भी इम्पोर्टेंट है, 19वां बाजार से संबंधित है, अगर चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, 19वां छोड़ सकते हो, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ, आपके पास समय होगा तो पढ़ लेना। ये 20वां प्रश्न भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो 20वां को, और मूल्य संवर्धन 21वां ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2-3 प्रश्न जो मैं अभी बता रहा हूँ इनको छोड़ सकते हो, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, समय होगा तो जरूर पढ़ना, एक बार कम से कम पढ़ लेना, याद नहीं करना चाहते तो मत करना, लेकिन पढ़ लेना। जो 3 प्रश्न मैंने बताया ना, कौन सा 19वां 20वां और 21वां, इनको आप सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है, कहना क्या चाहता है बस जानना इनको, और ये जो प्रश्न बता रहा हूँ इनको आपको रट लेना है, ठीक है, 23वां 24वां 25वां नहीं, बाकी को आपको नहीं देखना है, ठीक है। अब अगले इकाई पे चलते हैं, ठीक है, इकाई देखो इकाई 5 है, इकाई 5 में राष्ट्रीय आय तथा संबंधित संकल्पनाएं दिया हुआ है, ठीक है, इससे कौन कौन से प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है मैं आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता देता हूँ, ठीक। पहले मैं आपको इससे आने वाले प्रश्नों की जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ से 4 अंक और 6 अंक के प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कह रहा है, 4 और 6, ठीक है, कुल मिला के 10 अंक के प्रश्न इस अध्याय मतलब इस इकाई से आने वाले। तो छोटे प्रश्न एक भी आपको नहीं पढ़ना, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये सब फालतू है, ये सब प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटा छोटा, ये पूरा प्रश्न फालतू है ना, तो ये प्रश्न आपको पढ़ना नहीं है। यही बेनिफिट होता है जब हम आप लोगों को आईएमपी सूची बताते हैं, तो आईएमपी सूची में हम आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न अच्छा है कौन कौन सा खराब है, मतलब फालतू प्रश्नों को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रश्न जो फालतू है उनको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। देखो 4 अंक के प्रश्न ये वाला है, ठीक है, 4 अंक के प्रश्न में ये आपको देखने को मिल सकता है, ये भी 4 अंक के प्रश्न है, ये भी देखने को मिल सकता है, 4 अंक में ये वाला प्रश्न भी 4 अंक का है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रश्न है जैसे कि ये भी 4 अंक का है, देख लेते हैं, 4 अंक, ये भी 4 अंक का है, ठीक है, ये राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर कह रहा है ना, ये भी 4-4 अंक का है और ये भी 4-4 अंक का है, ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट प्रश्न,
ये है इंपॉर्टेंट प्रश्न, चार अंक का। चार अंक में स्टॉक एवं प्रवाह वाला है ना, जो शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं वो लोग इसके बारे में जानते होंगे। अभी तो आप लोग छोटे हो, आप लोग शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद वाला होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चार चार अंक में, इसके बाद चार अंक में ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर दीर्घोत्तरी में देखो ये प्रश्न है, ठीक है, चार अंक में। चार और छह दोनों के हिसाब से आप तैयारी करना है। दीर्घोत्तरी वाले जो प्रश्न है, छह अंक में आपको ज्यादातर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये प्रश्न है, चार अंक मैंने लिख दिया, छह अंक के हिसाब से आपको देखना है। फिर ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पांचवा प्रश्न। ये छठवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सातवा नहीं देखना है आपको, आठवा देखना है। ये आठवा है, ये नौवा प्रश्न है, दसवा भी इम्पोर्टेंट है, ग्यारहवा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बारवा और तेरहवा, हाँ तेरहवा इम्पोर्टेंट है। तेरहवा प्रश्न मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये तेरहवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ये चौदहवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक। पंद्रहवा इम्पोर्टेंट है, सोलहवा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब सोलहवा प्रश्न जो आ रहा है ना, ये गणितीय प्रश्न है। तो गणितीय प्रश्न अगर आपको देखने को मिलता है, तो गणितीय प्रश्न अगर आप लोगों ने तैयार कर लिया है, तो जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बदलाव कर देगा। जैसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद दिया है ना, इसके जगह में नाम चेंज कर दिएगा। यहाँ पे ये जो करोड़ों में दिया है ना, ये इसको चेंज कर देगा। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि अगर ऐसे प्रश्न दिया हुआ है ना, तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पे देखो सभी को, देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में किसको जोड़ दिया गया है, देखो घिसावट व्यय है ना, घिसावट व्यय को जोड़ दिया है, बाकी इन दोनों को माइनस कर दिया, आयात और निर्यात को माइनस कर दिया, तो कितना है ये। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकाला जाता है, तो देखो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और घिसावट बस को जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत सारा देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत सारा मैं नहीं कहूंगा, ज्यादातर, मतलब ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही आते जा रहे हैं। बस आपको ये जानना है कि सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है जिनको मैंने टिक तो नहीं किया है, लेकिन चलो इसको टिक कर देते हैं और थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। ये 6 नंबर में आ सकता है, मान लेते हैं 6 अंक के हिसाब से एक प्रश्न में समझा। देखो सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकालते हैं, तो देखो सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं और पूंजी वस्तु एवं सेवाएं। उपभोक्ता मतलब क्या है, जो हम बना रहे हैं, ठीक है, मतलब हम उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। और पूंजीगत जो हम बनाते हैं बेचने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा समूह, समूह के बारे में पता है ना। समूह क्या करता है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको वो बेचते हैं, वो पूंजी से संबंधित होता है, ठीक है। पूंजी वस्तु वस्तु के हिसाब से आते हैं, जैसे पतरी बनाना, ठीक है, ऐसे चीज पतरी बनाते हैं। तो समूह जो है ऐसे काम करते हैं, मास्क भी बनाया था कोरोना के समय, तो ये सब क्या कहलाता है, पूंजीगत होता है, पैसे कमाने के लिए बनाने वाला, ठीक है। तो पैसे कमाने बनाने वाला जो है ये पूंजीगत कहलाता है। तो 6100 करोड़ों में दिया है ना, तो इतने का उन्होंने बनाया कह रहा है, ठीक है। उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाएं, तो उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब खाने वाला चीज, जैसे सरकार चावल देती है तो वो खाने वाला चीज है, जो सरकार को क्या हो रहे हैं उसमें तो पैसा लग रहा है ना, तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो सकल घरेलू उत्पाद निकल जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो गया, सकल घरेलू उत्पाद प्लस आयात और निर्यात को कर देते हैं, ठीक है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद हो गया जो अभी हमने निकाला, देखो कितना आया है, 15,400, ठीक है, इसको यूज करेंगे। और आयात को जो बाहर से मंगा रहे हैं, आयात और निर्यात जानते हो ना, आयात मतलब बाहर से मंगाना और निर्यात मतलब हमारे देश से दूसरे देश को ले भेजना, तो आयात को इसमें प्लस कर देते हैं और निर्यात को घटा देते हैं। समझ में आ गया। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अभी निकला है ना ये वाला मान, ठीक है, घिसावट में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है। फिर कुछ प्रश्न और है, जैसे कि यहाँ पे दिया है जो चीज निकालने के लिए कहा है आपको, ये सारे प्रश्न आसानी से आपको आपके परीक्षा बोर्ड गाइड में मिल जाएगा, ठीक है, गाइड में नहीं मिलेगा, परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार में ही मिलेगा। फिर ये भी 6 अंक के प्रश्न है, ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न 6 अंक में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर, इसीलिए मैं ये इन प्रश्नों में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न 6-6 अंक के हैं, ये प्रश्न 4 अंक में भी जा सकता है, इसलिए जो प्रश्न हम बता रहे हैं उन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये 28वां हो गया, फिर ये सकल घरेलू वाला से ना ये प्रश्न हो गया 29वां, और है क्या कोई प्रश्न, हाँ
ये तीसवा प्रश्न, इसमें थोड़ा सा प्रश्न ज्यादा है, 32वां प्रश्न, ठीक है, और 33वां प्रश्न, ये वाला 33वां प्रश्न, ठीक, और तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, बस इतने ही प्रश्न है, ठीक है। बाकी जो इकाई बचा है, कुल इकाइयों की संख्या 9 है ना, 6, 7, 8, 9, 4 इकाइयों, मतलब जो 4 इकाई बचा है, इनका भी मैं जल्द ही ढूंढ के आपको सारे प्रश्न बता दूंगा।